पता नहीं आजकल कोई बीमार क्यों नहीं पड़ता है। मतलब मुझे अपने डॉक्टर्स हटाने पड़े क्लिनिक पर से, सैलरी नहीं हो पा रही थी। कुछ तो करना पड़ेगा इस क्लिनिक को चलाने के लिए। जब घी सीधे हाथ से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मेरा खुद का पेट नहीं पल पा रहा, मैं उन लोगों का पेट क्या पालती। सैलरी नहीं हो पा रही थी उनकी बेचारे। चलो खैर, उन लोगों की जॉब तो कहीं ना कहीं लगी गई होगी, बट मेरा क्या होगा, मुझे अपना नहीं समझ में आ रहा है। अब उन लोगों की वजह से मुझे काम करने की आदत नहीं रही। अब क्या करें, अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलने से रहा। सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। अरे अरे मम्मी, बहुत दर्द कर रहा पेट में। अरे लग रहा है ना कल पार्टी में तला हुआ चीज खा लिया था ना, इसलिए हो रहा है। अरे अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी मम्मी, अरे क्या हुआ? अरे मम्मी जल्दी आओ। क्या हो गया? मम्मी पेट में बहुत दर्द कर रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। कैसे हो गया? वो कल ना सुरेश की पार्टी थी, उसमें और खाले बाहर का। तब तो सुनाई नहीं देती तुम लोगों को, बिल्कुल नहीं सुनते हो। बाहर का खाना सारा, बाहर कोल्ड ड्रिंक पीना, घर का खाना तो अच्छा ही नहीं लगता। मेरे हाथ का तो खाना अच्छा ही नहीं लगता। दुश्मन हूँ जो मैं तुम्हारी, कभी बोलती रहती हूँ और खाले उल्टा सीधा। तुम्हें तो समझ में ही नहीं आती ना बात कही हुई। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। अरे मम्मी आप क्यों परेशान होगी, मैं काम करता हूँ ना, एक डॉक्टर का नंबर है मेरे पास, उससे ना अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। चला जाएगा ना? हाँ चला जाऊंगा मैं उसके लिए। तो फिर जा दिखाया जा डॉक्टर के, दिखाया जा, बता दियो कि पेट में दर्द हो रहा, खाया क्या, उल्टा सीधा खाया पिया हो तो सब बता देना, डॉक्टर से छुपाते नहीं है कुछ भी। ठीक है बता दूंगा। चल जा तो फिर, मैं कॉल कर लेता हूँ, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना। कॉल फोन लाऊं क्या? नहीं मेरे पास है ना, चल फोन कर ले। अच्छा तू इतने बात करके डॉक्टर के पास चला जा, ठीक है? मुझे थोड़ा काम है, मैं कर लेती हूँ। ठीक है मॉम। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मेरा ना थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है बहुत आज। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आप क्लिनिक पे आ जाओ। क्यों आप नहीं आती हैं क्या? नहीं नहीं क्लिनिक पे आओ आप, घर पे नहीं आ सकती मैं आपके। ठीक है मैं आता हूँ। एक्चुअली मेरे डॉक्टर्स ना चले गए अपने घर पे, टाइम हो गया है ना। अच्छा मैंने वो उस पे लिखा हुआ देखा था ना कि होम सर्विस पे, तो मैं सोचा अभी कॉल कर लिया जाए। नहीं नहीं सही लिखा था, बट डॉक्टर अभी है नहीं तो क्लिनिक पे आना पड़ेगा आपको। ओके मैम अभी आते हैं। ओके ओके ठीक है। चलो कोई तो क्लाइंट आएगा, ऐसा करूँगी ना इससे थोड़े पैसे ज़्यादा बना लूँगी। हाँ यार क्या कर सकते हैं अब, ऐसा करना पड़ेगा। वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो हाथ पर मारना ही पड़ेगा। ठीक है मैं कल तक वेट कर लेती हूँ, और झूठी मूठी रिपोर्ट बना के इससे पैसे ज़्यादा बैठ लूँगी बस। मेरा पेट यार, एक काम करो ई रिक्शा ले लूँगा, पैदल तो जा नहीं सकता मैं। मम्मी मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेना। ठीक है। अरे यार आज तो रोड पे ई रिक्शा भी नहीं है, और किसी से हेल्प मांगू तो हेल्प भी कोई नहीं करेगा। सिचुएशन ये चल रही है, मतलब मेरे पेट की दर्द तो बढ़ती ही जा रही है यार। क्या हो गया मेरे पेट में? हाँ आ जाओ आ जाओ बैठिए। मैडम जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है कल रात से। आपकी हालत देख के लग रहा है, क्या खाया था रात को? वो दोस्तों के संग पार्टी में थोड़ा सा तली वाली चीज खा लिया था। अच्छा चलो, कुछ ड्रिंक वगैरह की थी आपने, जैसे दारू कुछ? नहीं मैडम मैं दारू वारू नहीं पीता, बस थोड़ा सा तला वाला लग रहा है चीज खा लिया ना, इसी से हो गया लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं अब चेकअप करके तुम बताती हूँ, ठीक है? सांस लो।
हाथ हटाओ। ये प्रॉब्लम तली चीजें खाने से नहीं हुआ आपको। तो मैडम क्या परेशानी है? देखो मैं आपको प्रॉपर तो नहीं बता सकती, बट आपको बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या मैडम? अब कैसे बताऊं, बट आपकी इसमें मौत भी हो सकती है। अगर आपने इलाज नहीं करवाया जल्दी जल्दी तो आपकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। मैडम जी ऐसा क्या बीमारी है मुझे जो आप बता नहीं सकती हैं? तुम्हें एड्स है। मेरे तो एक ही गर्लफ्रेंड है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड है ना, हो सके उसके चार बॉयफ्रेंड हो। तो बात को समझो, इलाज कराओ, नहीं तो मर जाओगे तुम। ये बातें तो मुझे वो धोखा दे रही है, आज चाहता तो उसे बताता हूँ मैं। पर मैडम जी ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ठीक हो जाए? अब इलाज बताइए ना प्लीज। हाँ मैं इलाज में बताऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो इलाज में ही बताऊंगी। आप चलो वार्ड में मेरे साथ। बहुत हाँ चलो। हेलो यहीं पे लेट जाओ। हाँ हाँ आराम से लेट जाओ। वैसे कितने दिनों से पेट में दर्द हो रहा तुम्हारे? नहीं ये तो मैडम कल ही से हुआ है। अच्छा। क्योंकि कल ही मैं बर्थडे पार्टी में गया था ना, तो पर मुझे नहीं पता था ये सब है, मुझे मैं कैसे ठीक होऊंगा। वैसे एक बात बोलूं? हाँ। बीमारी तो मैं ठीक कर दूंगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, पर तुम हो बड़े प्यारे। वो सब ठीक है पर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। हाँ हाँ, तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए ना तुम्हें समझ रहे हो क्या, तुम्हें मेरे साथ ना संबंध बनाना होगा। क्या छोड़ो, मुझे क्या बोल रही हो आप? ये तुम्हें अपनी बीमारी ठीक करनी या नहीं? हाँ तो बीमारी ठीक करने के लिए दवाई दोगे, इलाज करोगे कि ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो मेरे से? समझो इसकी यही दवाई है। नहीं गलत है ये, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो किया वो सही था? अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ऐसे तो ना कि मैं किसी के साथ भी संबंध बना लूँ। हटो तो छोड़ो, नहीं ये गलत है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तुम उससे प्यार करते रहना, वो किसी दिन फरार हो जाएगी तुम्हें HIV देकर, और दे भी गई है। तो मैं वही तुम्हारी तकलीफ दूर कर रही हूँ, तुम्हारी बीमारी दूर कर रही हूँ मैं। नहीं मैडम ये गलत है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हो सकता है मेरी दूसरी मतलब पहली बार गर्लफ्रेंड को होगा HIV वगैरह। हाँ अरे जिसको मर्जी हो, अभी तुझे HIV है ना, तो मैं तो ठीक करूंगी तेरा HIV। ठीक है मैडम, पर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ मैं 100% बोल रही हूँ, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो कुछ तो करना। ठीक है मैम मैं तैयार हूँ। तैयार है? हाँ। कितना क्यूट है तुम। पर मैडम मैं ठीक हो जाऊंगा ना पक्का? हाँ हाँ अच्छे से ठीक हो जाएगी तुम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ठीक लग रहा है? हाँ मैडम, पर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ दो तीन बार और आ देना ठीक हो जाओगे। दो तीन बार और आना पड़ेगा? हाँ दवा कर रही हूँ तो टाइम तो लगेगा ना उसमें। मैं दो तीन बार कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। अच्छा तो मैं ये कह रही थी, तो पैसे कब लाके दोगे मुझे? पैसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5 लाख। 5 लाख? हाँ मैं 5 लाख कहाँ से दूंगा? मैं मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये दूंगा। हाँ 50,000 में तेरा कुछ नहीं होने बेटा। मेरे पे 5 लाख रुपये नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा? लाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये जो लाइव चल रहा है ना यहाँ पे, ये पुलिस स्टेशन जाएगा और फिर मैं उसको बोलूंगी पुलिस वालों को कि ये मुझसे शादी का बहाना करके ये मुझसे फिजिकल हुआ, अब ये मना कर रहा है। तो आप मेरे संग गलत कर रही हैं, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं जाओ, मैं नहीं देता पैसे। हाँ ठीक है फिर मैं इसको चली जाती हूँ पुलिस। देखो मैडम मैं 50,000 रुपये देता हूँ ना, इसको डिलीट कर दो ना, आपने थोड़ा सा तो इलाज किया मेरा। 50,000 में क्या होगा, कम से कम मैंने बोला ना 5 लाख, बहुत कम मांग रही हूँ मैं तो। ये मैं कहाँ से दूँ 5 लाख, किसी दोस्त को फोन लगाता हूँ।
सोनू भैया सोनू भैया। हेलो 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 सोनू भैया। हाँ जी बोलो। भैया मैं एक मुसीबत में फंस चुका हूँ, मुझे ना 4.5 लाख रुपए चाहिए। भैया मैं दोबारा आपको पैसा दे चुका हूँ, 1 लाख रुपए। हाँ मैं अब दोबारा नहीं दूंगा, ठीक है? प्लीज़ भैया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे 4.5 लाख रुपए दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 4.5 लाख रुपया आपके पेटीएम में कर देता हूँ। पेटीएम मत कीजिए सर, आप भैया एक काम करो ना, अकाउंट में डाल दो मेरे, मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अकाउंट नंबर सेंड कर दो, इसके बाद मैं कर दूँगा। ठीक है ओके, थैंक यू। मैडम अभी आ रहा है पेमेंट, मैं आपको देता हूँ। वो जल्दी से जल्दी करवा देगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा होगा ना। मैडम जी तब तक वीडियो एडिट कर दो ना, पेमेंट आ रहा है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, अकाउंट में आ रहा है। पैसे तो आने दे, फिर कर दूंगी मैं। ठीक है आ गया, आप ये अपना UPI नंबर बोलिए। UPI नंबर नहीं, स्कैनर लिखिए। अच्छा ठीक है अकाउंट में ना ले, अकाउंट नंबर ये रहा। देखो मैडम जी हो गया। हाँ आ गया ना। हाँ भाई मैं अब जाऊँ। हाँ पर मैडम वीडियो डिलीट कर दो ना। तो कर दूंगी ना, मेरे सामने डिलीट करो आप। कर दूंगी, प्लीज प्लीज करो ना। देखो मैंने आपका बात माना ना, अब डिलीट करो। ले कर दिया। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा इधर। बहुत चलाक समझ रहा था अपने आप को, उसको क्या पता मैंने वीडियो पहले ही कॉपी कर ली थी। अभी तो और भी पैसे लूटने हैं इससे, और भी बकरा फंसाती हूँ। ये काम अच्छा लगा मुझे, एक बार में 5 लाख रुपए मज़ा सा आ गया। चलो मैं दोबारा अपने क्लिनिक में जाके बैठती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया लड़का, अभी तक आया नहीं है। पेट में दर्द था, अब दिखाने गया था डॉक्टर को, क्या बताया है डॉक्टर ने कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। क्या हुआ मम्मी? वो डॉक्टर के पास गया था ना मैं। हाँ उसने जो पता है इलाज नहीं किया। क्या आजकल के डॉक्टर ये सब भी करने लगे, हद हो गई है यार। मेरा दर्द और बढ़ते जा रहा है मम्मी। दवाई वबाई नहीं दी उसने? नहीं दवाई नहीं दी तुझे? अब ऐसे डॉक्टरों का कुछ करना पड़ेगा, ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो गई। मम्मी मेरे बहुत दर्द हो रहा पेट। चल तू मेरे साथ चल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एक्चुअली क्या है ना, पिछले 3-4 दिन से ना बैक में पेन हो रहा, बहुत वीकनेस आ रही है। अच्छा। और एकदम दिल जैसे नहीं घबराता है बहुत। अच्छा। चलने पे चक्कर भी आते हैं। अच्छा तो वही सोचा कि आपसे थोड़ा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ। बैक में पेन? बैक में पेन है और बहुत ही वीकनेस है। अच्छा लंबी सांस लो। वैसे मैडम कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? घबराने वाली ही बात है, मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। हाँ सही है, आप थोड़ा क्लियरली बताओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको HIV है क्या? अरे सिर्फ बैक पेन है बस, सर्दी से शायद हो गया होगा कुछ। ये उसी के सिम्टम्स हैं, ये अभी शुरुआत है, अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं मैडम, मैं मर भी सकता हूँ? हाँ अरे प्लीज मैडम मेरा ना जल्दी से इलाज शुरू करो, ठीक है? अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज करूँगी आपका, सारी बीमारी दूर करूँगी आपकी, ठीक है? चलो वार्ड रूम में चलो। मैडम मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो ठीक है। बैठो। जो तेरे पास मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ।
आज भी बकरा फंसी गया। वैसे आपकी बीमारी दूर करने का मेरे पास ना बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा? हाँ। तो कुछ भी करो, मुझे ना ठीक होना है, मुझे मरना नहीं है। हाँ, तो मुझे आपके साथ संबंध बनाना होगा। क्या बात कर रही हो? हाँ। इलाज से संबंध से क्या मतलब है? इलाज बहुत मतलब है। इलाज में तो गोलियाँ दी जाती हैं, टेबलेट, इंजेक्शन सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। ये बहुत जरूरी इलाज है, इससे ही सब कुछ ठीक होगा आपका। पर मैंने कभी ये सुना नहीं था कि ऐसे भी इलाज होता है। कुछ बीमारियाँ जो सुनाई नहीं देती लेकिन आ जाती है ना, तो ये इलाज भी ऐसा है जो सुनाई नहीं दिया बट आ गई है। अच्छा। हाँ तो ठीक है मैडम, फिर अगर आपको ऐसे इलाज करना है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये What is this? गलती से हो गया होगा, आप मेरा फोन दो मुझे। एक मिनट, तुम ये वीडियो बनाती हो मरीजों के? तुमसे क्या मतलब, तुम अपना इलाज करवाओ जाओ। स्टैंड अप, खड़ी हो, इधर आओ। ऐसे रूडली नहीं बात करते तुम मुझसे, मैं डॉक्टर हूँ। तुम मेरे साथ ये सब हरासमेंट कर रही हो और तुम मेरा वीडियो बना रही हो। लास्ट टाइम जो आपके पास मरीज आया था ना, उसने मेरे से कंप्लेंट की है, ठीक है? और मैं CBI इंस्पेक्टर अनु सिंह। CBI? हाँ, CBI। और तुम डॉक्टर होके ये सब करती हो? डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं। सॉरी, आज बता ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी, तुमको तो ना 10 साल की जेल होगी। नहीं, एक काम करो, तुम ये सारे पैसे रख लो। ये पैसे? फोन। अब तो तुम्हें ना रिश्वत के मामले में भी घसीटूंगा, और 20 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना, ठीक है? और सुनो, फोन जेब में रखो, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो, तुम लोगों का ये धंधा बन गया है, आउट। नहीं, छोड़ दो, प्लीज।